हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्टी जोन। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी बिहार सिविल कोर्ट न्यू वैकेंसी 2022 के बारे में। तो यहां पे मैं आपको इस वैकेंसी के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाली हूं, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें जो आपकी वैकेंसी रहेगी वो 8801 रहेगी। इस वीडियो में मैं आपको इसके सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताऊंगी, सिलेक्शन प्रोसेस इसमें आपका क्या रहेगा, सैलरी आपको कितनी मिल सकती है, एज लिमिट क्या है और यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या क्या रखी गई है, कौन कौन से कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल होंगे, तो ये सभी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप एक लेटर देख सकते हो जिसमें इस वैकेंसी के बारे में बताया गया है। यहाँ पे लेटर नंबर आप लोग देख सकते हो और ये नोटिस जो भेजा गया है वो द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पटना कम कन्वेयर सेंट्रलाइज्ड सेक्शन एंड अपॉइंटमेंट कमिटी। सब्जेक्ट में आप लोग यहाँ पे देखिएगा, इसमें बोला गया है रिगार्डिंग इनिशिएशन ऑफ प्रोसेस फॉर फिलिंग अप द वैकेंट क्लास थ्री ग्रुप सी पोस्ट। तो इसमें आप लोगों को बोला गया है कि जो क्लास थ्री और ग्रुप सी की पोस्ट है उसके फॉर्म फिलिंग के बारे में बताया गया है। यहाँ पे कितने कितने पोस्ट जो है वो खाली है उसके बारे में भी आप लोगों को बताया गया है, कौन कौन सी पोस्ट है। तो वो आप देख सकते हो, क्लर्क की यहाँ पे 4434 पोस्ट है, स्टेनोग्राफर की 1562 पोस्ट है, कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर की 1132 पोस्ट है यहाँ पे, और प्यून की जो टोटल पोस्ट है वो 1673 यहाँ पे आपकी रहेगी। यहाँ पे जो प्यून की वैकेंसी निकाली गई है वो ग्रुप डी की आपकी पोस्ट रहेगी, इसमें 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके एलिजिबिलिटी कंडीशन की, कौन कौन से कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। तो अगर एज लिमिट की हम लोग बात करें तो क्लर्क की पोस्ट पे जो आपकी एज लिमिट रहेगी वो 21 से 37 साल रहेगी, स्टेनोग्राफर की पोस्ट पर भी आपकी जो एज लिमिट है वो 21 से 37 साल रहेगी, राइटर की पोस्ट पर आपकी एज लिमिट 21 से 37 साल रहेगी, प्यून की पोस्ट पे जो आपकी एज लिमिट रहेगी वो 18 से 37 साल रहेगी। इसके अलावा आपको एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा, अगर आप SC/ST कैंडिडेट है या फिर OBC कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। अगर यहाँ पे बात करें क्लर्क पोस्ट की एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो इसमें आपसे ग्रेजुएशन मांगा जाएगा, किसी भी डिसिप्लिन में आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे आपसे कंप्यूटर नॉलेज भी मांगा जा सकता है, तो यहाँ पे कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आपके रहेंगे, कंप्यूटर भी आपसे मांगा जा सकता है। और अगर यहाँ पे हम लोग इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लें तो इसमें आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा और यहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें स्टेनोग्राफर की पोस्ट पे, तो इसमें अप्लाई करने के लिए ग्रेजुएशन आपसे मांगा जाएगा, साथ में इसमें आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, शॉर्ट हैंड होगा, इसमें अप्लाई करने के लिए टाइपिंग स्पीड भी आपसे मांगा जाएगा। इंग्लिश में जो आपकी टाइपिंग स्पीड है वो 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और हिंदी में जो आपकी टाइपिंग स्पीड है वो यहाँ पे 30 वर्ड पर मिनट आपसे मांगा जा सकता है। अगर इसके सिलेक्शन प्रोसेस की हम लोग बात करें तो इसमें भी आपका एग्ज़ाम होगा और यहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर के लिए, तो यहाँ पे आपसे ग्रेजुएशन मांगा जाएगा, ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास यहाँ पे टाइपिंग स्पीड भी मांगा जाएगा। इसमें आपकी जो इंग्लिश टाइपिंग स्पीड है वो 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और हिंदी टाइपिंग जो है वो 30 वर्ड पर मिनट आपसे मांगा जाएगा। अगर इसके सिलेक्शन प्रोसेस की हम लोग बात करें तो इसमें भी आपका पहले लिखित परीक्षा होगा, उसके बाद यहाँ पे आपका शॉर्ट हैंड होगा, यहाँ पे कंप्यूटर टेस्ट भी आपका होगा और यहाँ पे इंटरव्यू भी होगा। अगर बात करें यहाँ पे प्यून की पोस्ट पे, तो इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे 10th पास की योग्यता मांगी जाएगी। अगर यहाँ पे इसके एग्ज़ाम पैटर्न की हम लोग बात करें तो क्लर्क, स्टोनो और रीडर की पोस्ट पे बात करें तो इसमें आपसे हिंदी से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंग्लिश से भी 30 क्वेश्चन रहेगा, मैथ से यहाँ पे 25 क्वेश्चन आपके रहेंगे। यहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम होगा वो OMR बेस्ड आपका रहेगा, 15 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा, आपका जो एग्ज़ाम होगा वो टोटल 85 मार्क्स यानी कि 85 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा। अगर यहाँ पे प्यून की पोस्ट पे बात करें तो इसमें हिंदी से 35 क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश से 15 क्वेश्चन, मैथ से 35 क्वेश्चन, टोटल यहाँ पे भी 85 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम रहेगा और यहाँ पे 15 नंबर का आपका इंटरव्यू रहेगा। तो ये आपके एग्ज़ाम पैटर्न रह सकते हैं। अभी इसकी डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आई है, जैसे ही इसकी डिटेल नोटिफिकेशन आती है मैं आपको इसी चैनल पे अपडेट कर दूंगी, वहाँ पे आपका सिलेबस क्या रहेगा, कंफर्म सिलेबस क्या रहेगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे ही इसके बारे में कोई अपडेट आती है मैं आप लोगों को इसी चैनल पे अपडेट कर दूंगी। तो ये थी आज की कंप्लीट वीडियो, आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उन्हें भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।